हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेंटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक्स विद कॉन्सेप्चुअल एंड एसोसिएटिव मीनिंग। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे फॉर्मल सिमेंटिक्स, लेक्सिकल सिमेंटिक्स, कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स विद कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक्स। तो चलिए आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सिमेंटिक्स, किसे कहते हैं हम सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि जब हम लफ्ज़ों के या जुमलों के मतलब के बारे में डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं सिमेंटिक्स। इट यूजेस द रिलेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स टू नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स, कि लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स का नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशन को डिस्कस करती है। एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस टू एक्सप्लेन हाउ सेंटेंसेस आर अंडरस्टूड बाय नेटिव स्पीकर्स, कि एक ही जगह पर रहने वाले लोग एक दूसरे के अल्फाज को, एक दूसरे के जुमलों को किस तरह से आसानी से समझ लेते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करती है सिमेंटिक्स। ये वजाहत करती है कि कैसे लोग अपने एक्सपीरियंशियल और इमोशनल बैकग्राउंड की बेसिस पे अल्फाज को, जुमलों को समझते हैं लोग, एक दूसरे के अल्फाज को, जुमलों को आसानी से समझ लेते हैं, इसको डिस्कस करती है सिमेंटिक्स। इसको आसान अल्फाज में हम कहेंगे, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड हाउ वी ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम दोज वर्ड्स, कि वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है और फिर हम उसके अंदर से मीनिंग कैसे ड्रॉ करते हैं, मीनिंग कैसे निकाल लेते हैं, इस चीज़ की स्टडी को कहते हैं सिमेंटिक्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो अल्फाज, जो सेंटेंसेस लोग यूज़ करते हैं, वो एक दूसरे को समझते कैसे हैं, उन अल्फाज को, उन सेंटेंसेस को कैसे समझा जाता है, उससे मीनिंग कैसे निकाला जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है, इसे कहते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रेंच फिलोलॉजिस्ट मिशेल ब्रुएल ने इन 1883 के अंदर इस वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिमेंटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड सिमियोटिक्स, सिमोलॉजी और सेमेसायोलॉजी। ये तीनों वर्ड्स निकले हैं साइन से, इनका मेन फोकस है साइन, कि किस तरह से लोग साइन लैंग्वेज को समझते हैं, उस पूरे प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं सिमेंटिक्स। इस साइन लैंग्वेज को समझने के प्रोसेस को कहते हैं हम सिमेंटिक्स, जिसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था मिशेल ब्रुएल ने, जिसके पीछे मकसद था लोगों के कैसे लोग ड्रॉ करते हैं मीनिंग वर्ड से, सेंटेंसेस से। हमने पढ़ा कि सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, लेकिन मीनिंग भी दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव मीनिंग। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है ऑब्जेक्टिव और जनरल मीनिंग, जबकि एसोसिएटिव है सब्जेक्टिव और लोकल मीनिंग। तो सिमेंटिक्स का मेन कंसर्न है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और जनरल मीनिंग, और ये इसका कंसर्न एसोसिएटिव मीनिंग बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल कैट, कैट को हम उर्दू में कहते हैं बिल्ली। अगर 20 लोग इसको बिल्ली कह रहे हैं तो वो है ऑब्जेक्टिव और जनरल मीनिंग, और अगर एक पर्सन इसको कुत्ता कह रहा है तो वो है एसोसिएटिव मीनिंग, सब्जेक्टिव मीनिंग। तो सिमेंटिक्स का कंसर्न है कॉन्सेप्चुअल जनरल मीनिंग, कि 15 लोग कैट को क्या कह रहे हैं, उस एक पर्सन का से कंसर्न नहीं है सिमेंटिक्स का। तो ये है सिमेंटिक्स, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग डिस्कस करती है ये, जनरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मीनिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेंटिक्स के बाद है टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स, जिसके अंदर हम तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वो हैं फॉर्मल सिमेंटिक्स, लेक्सिकल सिमेंटिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स। हम इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर विद एग्जांपल्स। सो हमारी फर्स्ट टाइप है फॉर्मल सिमेंटिक्स। व्हाट इज फॉर्मल सिमेंटिक्स?
इट इज़ अ ब्रॉड लिंग्विस्टिक थ्योरी इंटेंडेड टू स्टडी हाउ लैंग्वेज फंक्शंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद रियलिटी। फॉर्मल सिमेंटिक्स का कंसर्न ये है जो वर्ड्स बोले जाते हैं, जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उनके पीछे एक रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। उन वर्ड्स की, उन सेंटेंसेस की उस रियलिटी के बगैर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उस रियलिटी को डिस्कस करती है कि जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, उनके पीछे एक रियलिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, नैन्सी स्मोक्स। तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बोले गए हैं, लेकिन इसके पीछे रियलिटी ये है कि ये स्मोकिंग का एक्शन एक्चुअल में हुआ है। उस एक्शन की बेसिस पे ये वर्ड्स बोले गए हैं। तो यही है फॉर्मल सिमेंटिक्स का मेन कंसर्न। इस थ्योरी को, द थ्योरी ऑफ फॉर्मल सिमेंटिक्स वॉज फर्स्ट डिवेल्प्ड बाय अमेरिकन फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रिचर्ड मॉन्टेग्यू इन 1960 के अंदर फॉर्मल सिमेंटिक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मेन कंसर्न था वर्ड्स और सेंटेंसेस के पीछे उस रियलिटी को भी डिस्कस करना कि वर्ड्स और सेंटेंसेस की उस रियलिटी के बगैर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं फॉर्मल सिमेंटिक्स। देन सेकेंड टाइप है सिमेंटिक्स की, लेक्सिकल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल का मतलब ही है रिलेटिंग टू वर्ड्स और वोकैबुलरी। तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, के जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब होगा, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स लाइक मेटाफर एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दैट कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कि किस तरह से एक वर्ड एक सेंटेंस में अलग तरह से यूज़ होता है, उसका अलग मीनिंग होता है, और सेम वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। लेक्सिकल सेमेंटिक्स टेक्स डिफरेंट थिंग्स इनटू अकाउंट सच एज कॉन्टेक्स्ट और द टेक्स्ट सराउंडिंग अ वर्ड दैट गिव्स इट अ पर्टिकुलर मीनिंग और शेड्स ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड। कि लेक्सिकल सेमेंटिक्स क्या देखता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है, उसके इर्द गिर्द जो दूसरा टेक्स्ट है वो उसे क्या मीनिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डिक्शनरी में देखते हैं कि एक ही वर्ड एज अ नाउन भी यूज़ हो रहा होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ हो रहा होता है, तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस में वो डिफरेंट मीनिंग्स के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं शी वॉज लीनिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर ये वर्ड फॉरवर्ड यूज़ हुआ है। अगर हम इसे किसी और सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका और मीनिंग होगा। तो एक वर्ड को हम इसके अपने मीनिंग के अलावा इसका कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं, इसका जो सराउंडिंग का टेक्स्ट है वो भी देखते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो लेक्सिकल सिमेंटिक्स का मेन कंसर्न है एक पर्टिकुलर वर्ड को देखना, उसके मीनिंग को देखना कि किस तरह से उसका मीनिंग ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑन इट्स सराउंडिंग। ये है लेक्सिकल सिमेंटिक्स रिलेटिंग टू वर्ड्स और वोकैबुलरी। और हमारी लास्ट टाइप है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स, जो डील करती है विद द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड बिफोर अप्लाइंग एनी कॉन्टेक्स्ट टू द वर्ड। इसके अंदर हम जनरल मीनिंग देखते हैं कि एक वर्ड का डिक्शनरी के अंदर जनरल मीनिंग क्या है, मतलब हम उसके इर्द गिर्द की रियलिटी नहीं देखते, हम उसके इर्द गिर्द का टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, हम सिंपल एक मीनिंग देखते हैं डिक्शनरी के अंदर कि एक वर्ड का डिक्शनरी के अंदर मीनिंग क्या है। इट स्टडीज द कॉन्सेप्ट्स विद विच द वर्ड्स आर कनेक्टेड टू, इट स्टडीज हाउ मीनिंग गेट्स असाइंड टू दोज वर्ड्स एंड इट स्टडीज हाउ मीनिंग चेंज ओवर टाइम। कि एक वर्ड का डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग है वो फिर जब सेंटेंसेस में यूज होगा तो वो मीनिंग हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स, जो जनरल मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि एक वर्ड का डिक्शनरी के अंदर जनरल मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं काउगर इज़ अ लार्ज वाइल्ड कैट, ये है डिक्शनरी मीनिंग, जबकि इट आल्सो इंडिकेट्स एन ओल्डर वुमेन हु इज़ डेटिंग अ यंगर मैन। तो अगर इसको हम अदर वेज में डिस्कस करेंगे तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग है अ लार्ज वाइल्ड कैट।
ये है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स, जो जनरल मीनिंग को डिस्कस करती है। डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड का जनरल मीनिंग क्या है, ये है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स। देन कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स ओपन्स द डोर टू अ नेचुरल कन्वर्सेशन, एक जो सिंपल बातचीत हो रही है उसके लिए दरवाजे खोलता है, जिसके अंदर आ जाता है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड हमने देख ली कि जनरल वर्ड की डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद इमोशन इवोक्ड फ्रॉम अ वर्ड, कि एक वर्ड के जनरल मीनिंग के अलावा जब उसके साथ कोई इमोशन अटैच होती है तो फिर उससे क्या मीनिंग निकाला जाता है, ये उसके लिए दरवाज़ा खोलती है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स। कि ये जनरल मीनिंग तो देखती है लेकिन उसके पीछे जो इमोशंस है उसकी बेसिस पे उसका क्या मीनिंग है उसको भी डिस्कस करती है, ये उसके लिए एक दरवाज़ा खोल देती है, एक कन्वर्सेशन के लिए, एक डिस्कशन के लिए दरवाज़ा खोलती है कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स। और लास्ट में हम इन तीनों को एक साथ रख के इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट में है फॉर्मल सिमेंटिक्स, जिसको हम कहेंगे यूजिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स और सेंटेंसेस, के वर्ड्स और सेंटेंसेस को रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस से समझना, रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को समझना। जबकि लेक्सिकल सेमेंटिक्स कहेंगे अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, के वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पर या टेक्स्ट की सराउंडिंग की बेसिस पर समझना। एंड देन कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स हैविंग जनरल नॉलेज, के वर्ड का सिंपल डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखना, एक जनरल नॉलेज इकट्ठा करना के वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है। ये है इन तीनों के अंदर मेन डिफरेंस, फॉर्मल, लेक्सिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सिमेंटिक्स। तो उम्मीद है आपको सिमेंटिक्स की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।